नारी शक्ति बैठी है, मैं चाहता हूँ नारी शक्ति भी थोड़ा सा खुले, क्योंकि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना, मैं सच बता रहा हूं आपको, वो पुरानी फिल्में अगर आप देखते हो या देखी हो, वो पुरानी फिल्मों में पुराने बुजुर्ग हमारे बड़े दूरदर्शी विचारधारा के होते थे, वो बताया करते थे नारी को ज्यादा ज्ञान मत दो, नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, नारी को ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत करने दो। क्यों? वो जानते थे कि नारी यदि ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। एक व्यंग पहुंचाता हूं साहब, हम किस युग में जी रहे हैं। वो जानते थे कि नारी ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में उसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। गोयल साहब, पिछले दिनों मेरे दोस्त की शादी हुई, शादी अटेंड करी, अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था, जैसे ही विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी, रोने लगी तो मेरा दोस्त भावुक हृदय दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छोड़वाएगी। ये फर्क क्यों आया साहब? ये फर्क इसलिए आया कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था, हम चीजों से रिश्ता बनाने में मशगूल हो गए और लोगों को इस्तेमाल करने की आदत हमें पड़ गई, इसलिए यह अंतर आया। मेरे बड़े मित्र बड़े भाई कवि जबलपुर से भाई सूरज राय लिखते हैं, ये तो अच्छा है कि एक बैनर के तले हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया और आप लोग एक परिवार के रूप में एकत्रित हुए। अभी वो हर्षित बता रहा था, बोले भैया संयोजन नहीं आयोजन नहीं। मैंने कहा बेटा आयोजन तो ब्रजेश गोयल जी का ही है, संयोजन तेरा, क्योंकि तू बातचीत करता रहा उनके विहाप में। आयोजन और संयोजन का यदि किसी को नहीं पता हो तो इसमें केवल वही अंतर है दोस्तों जो निमंत्रण और आमंत्रण में होता है। तो पहले अपना शब्द कोश ठीक करिएगा, हमें पता है कि कौन आयोजन करता है, लेकिन आप विद्वजन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं गोयल साहब कि आपने कमाया क्या है, आपने यही कमाया है कि आपके एक इशारे पर आपके एक संयोजन एक आयोजन में ये सारे लोग यहाँ परिवार के रूप में बैठे हैं। वरना आजकल हम बैठते भी कम है साहब के चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, करके पहले से की हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे चार भाई बैठे हैं, आज पहली बार इस स्थिति में आप लोग यहां बैठे हैं। यार मैं अक्सर कहता हूं कि मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है कि मोटापे में, हाँ इसकी जरूरत नहीं थी बेटा, मोटापे में अनाज है। ये तो अच्छा है इसने ठीक से सम्मान करवा दिया सारे कवियों का, वरना मैं सच बता रहा हूं पिछले दिनों हरियाणा में था मैं सर, रोहतक में, वहां एक रामलीला कमेटी के चार सदस्य थे, उन्होंने कवियों का सम्मान करना था, सबसे पहला सम्मान मेरा ही, सबसे पहले सम्मान में वो पहले वाले सदस्य ने ऐसे ही मुझे माल्यार्पण कर दिया, दूसरे ने मुझे वो पुष्प गुच्छ दे दिया, तीसरे ने प्रतीक चिन्ह मोमेंटो दे दिया, अच्छा चौथा जो सदस्य था वो हाथ में शॉल लिए घूम रहा। मैं इधर खड़ा ये सोच रहा हूं ये शॉल उड़ाए तो मैं बैठूं। अब उसके तीनों साथियों ने कहा, बोले तुम आगे जाते क्यों नहीं, कवि को शॉल उड़ाते क्यों नहीं? बोले भाई जी पहले कवि जी अपना प्रतीक चिन्ह माला आदि इत्यादि समेटे तो सही, मैं शॉल भी उड़ा दूंगा ये लेटे तो सही। तो कई बार ये सम्मान की स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं, लेकिन मोटापे में अनाज से डॉक्टर के, और ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं बहुत लोग देखता हूं, ये पूरे देश की हालत है, जिसे देखो राजनीति का भूत, नेतागिरी का भूत, और उस पर पता क्या, किसी के कार्यालय चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, अरे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ फोटो आ रहे, यार काहे को खिंचवा रहे हो, ये बताना बंद कर दो मेरी फलाने से जान पहचान है, फलाने से ये जान पहचान मरवा भी देती है। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं पिछले दिनों गोयल साहब तिहाड़ जेल गया दिल्ली में, कविता पढ़ने गया था, तिहाड़ जेल गया, वहां एक कैदी को एक सिपाही कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 10 मिनट बाद तेरी फांसी होने वाली है। बोले पर मेरी फांसी तो 6 महीने बाद लिखी थी। बोले ना ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी इसका काम पहले।
सच बता रहा हूं, ये तो आज वो अतिथि और आ रहे थे, हमारे दोस्त हैं आपके क्षेत्र में, डॉक्टर राकेश मिश्रा एसपी क्राइम, वो लखनऊ से आ गया, उनका न्योता तो जाना पड़ा वरना वो रहते, वो कई बार मैं उन्हें भी समझाता हूँ, वो उनमें थोड़ा सा रुआब आ गया वर्दी का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने पिछले दिनों कहा, अच्छा वो बेटे को समझा रहे थे, मैं लखनऊ गया हुआ था तो मैं उनके घर ही रुकता हूँ, अब मैं गया तो वहाँ बेटे को समझा रहे, बोले देखो तुम जिसे भी बताया करो बड़े रुआब के साथ, बड़े गुरूर के साथ बताया करो कि तुम डॉक्टर राकेश मिश्रा के एसपी के बेटे हो। अच्छा वो भाभी को ये बात पसंद नहीं है, बोले छोटा सा बालक है, इसके दिमाग में पहले से ही पता नहीं है क्या क्या भर रहे, बड़ा होके करेगा क्या। अच्छा बेटा कंफ्यूज, बोले पिता की मानू के माँ की मानू। अच्छा वो कोई गांव देहात से उनके घर रिश्तेदार आ गए, उन्होंने उनका बेटा छोटेपन में देखा था, थोड़ा बड़ा हो गया, वो खेल रहा था ड्राइंग रूम में, गांव से आए लोगों ने पूछा, रिश्तेदारों ने बोला तू डॉक्टर राकेश मिश्रा का बेटा है क्या, बोले जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती। तो कई बार ये सब मामले बिगड़ जाते हैं, लेकिन मोटापे में अनाज से डॉक्टर के, देखो अब आ रहे हो आप ठीक ठाक सुनने के मूड में, ये बतरस करना पड़ता है, ये बतरस करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात भी ले जाना साहब, क्योंकि क्या है कि आजकल तमाशे ज्यादा होने लगे, कविताई कम होने लगी। राधेश्याम प्रगल्भ डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के पिताजी खुर्जा से, उन्होंने कभी एक बात कही थी कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में, मुंह जो। तो कविता तो साफ कविता ही होती है, वरना तो सच बता रहा हूं, मेरे तो पड़ोस में एक नेता हो रहे थे, अच्छा इत्तेफाक से वो भी गोयल साहब ही है, सच बता रहा हूं, और इतने जिंदा दिल आपकी तरह, मैं कहा नेताजी आपकी दुनिया बहुत बढ़िया है, आनंद करते हो, बस करना क्या है बेटा, सुबह समाज सेवा रात को मसाज मेवा, बारीक बात है कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साथ से, शादी वाले दांत से, मुफ्त की मसाज से, और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से, और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। तो आइए हंसने। अच्छा कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लोगों में चले जाते हैं, आप तो बड़ा आनंद ले रहे हैं साहब, वरना कई बार हम ऐसे धन्ना सेठों में फंस जाते हैं, सच बता रहा हूं, मैं तो पिछले साल अमेरिका था गोयल साहब, डेढ़ महीना अमेरिका की यात्रा पर था, और 21 शहरों में कवि सम्मेलन करके आया। अच्छा हम तो भारतीय आदमी, जैसे अपने यहाँ जयपुर वयपुर कहीं जाते हो तो वो ढोला कुआं से पकड़ते हो ना वॉल्वो बस, वैसे वहां भी चलती हैं बहुत सारी, मैं वो बस में बैठ गया, देखो क्या होता कवि कहां से पकड़ता चीजें, मैं वॉल्वो बस में बैठा तो साथ में वो बैठे थे चर्च के फादर पादरी साहब, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जैसे अपन जान पहचान करते हैं, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी, बोले नन, नहीं पहुंची होगी बात। अच्छा उन्हें मेरे मुंह से भपका आया, मुझसे कहने लगे तुम्हें गॉड ने कुछ अच्छा करने को भेजा, तुम एल्कोहल में अपनी दुनिया नष्ट कर रहा है। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, बोले तुम हमारे साथ चलो हम तुम्हारा शुद्धिकरण करेंगे। वो मुझे ले गए साहब एक चर्च में। अच्छा वहां पे एक क्रिया होती है बैप्टिज्म, शुद्धिकरण क्रिया, जैसे अपने यहाँ गंगा जी नहला देते हैं। अच्छा वो ले गए पानी की एक होदी बनी हुई, पानी की होदी बनी हुई, उन्होंने जाते ही मेरा यहां से एक गुद्दी पकड़ी और मेरे को 3 बार उसमें डुबकी लगवा दी, फिर मेरा सिर निकाल के बोले देयर इज नो अल्कोहल इन यू, अब तुम्हारे अंदर शराब नहीं रही, अब तुम पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध हो चुके हो, पुराना दीपक मर चुका है, यह तुम्हारा नया जन्म है, और आज से तुम्हारा नाम है डेविड। अरे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैं तो बड़ा, मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया है, साला हरिद्वार का खर्चा भी बच गया अपना तो जाने का, कौन गंगा जी में डुबकी लगा के शुद्ध करे, है नहीं। अच्छा मैं जब लौट के आया तो 2 महीने बाद उनका मेरे को संज्ञान में आए, वो संज्ञान में आए तो मैंने फिर एक विधि अपनाई, मैं गोयल साहब अपने कमरे से उठा, दूसरे कमरे में गया, वहां से अलमारी खोली, फिर एक ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली और पानी से भरी बाल्टी में 3 बार डुबोई, देयर
देयर इज नो अल्कोहल इन दिस बोतल, अब इस बोतल में कोई शराब नहीं है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो चुकी है, ओल्ड मॉन्क मर चुकी है, अब इसका यह नया जन्म है और इसका नया नाम है काड़ा। पहुंच रही है बात, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। फिर देखो क्या है, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। हमसे पूछते हैं साहब, बोले कवि जी ये जो कवि लोग माइक पे आते हैं कविता सुनाते हैं, ये शायर लोग जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, क्या ये लोग नहीं पीते? मैंने कहा यार पीते तो कवि भी हैं, हम भी पीते हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हो साहब, वरना हम तो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो सिर्फ धन के धन्ना सेट होते हैं, मन नहीं होता उनके पास, कोई अच्छी बात कह लो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई बुरी बात कह लो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं फंस गया दिल्ली में, तब वहां से कुछ पंक्तियां निकली कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था, मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं ताली बजाने के लिए आदमी रखे। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे आप हंस भी नहीं रहे, बोला ऐसा नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में लंबी चमचमाती कार में, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो आपने नई कार ली है, बोला मैंने नहीं ली कल शादी हुई है ससुराल वालों ने दी है, मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए, अमीर हूं। तो ये आनंद बनाए रखना। बेटा तू कहां भटक रहा है? हां कोई बात नहीं, बहरहाल चलिए, मैं पहले कवि को उठाने वाला था, वो जसदीप से ही शुरू करना चाह रहा था, लेकिन ये ज्यादा समझदार है, हरियाणा का है, बावड़ी बूझ नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़े विचित्र विचित्र किस्से हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको। वो हमारे यहाँ एक छोरे ने कह दिया अपने बाप से, बोले बापू तने बेरा है, यो जो प्यार होया करता है यो एक तरह का वायरस होता है। तो बाप ने भी कहा बेटा यो जो किवाड़ पाछे लठ दरा है ना यो एंटीवायरस है। अच्छा प्यार व्यार, अब वो नए नए बच्चे ये लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, अच्छा ये कोई काम की चीज थोड़ी ना यार, सारा दिन लगे रहते हो। हमारे यहाँ तो एक दादा ने पोते को डांट दिया जब कोरोना काल में, गोयल साहब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चलती थी बच्चों की, तो वो दादा ने पोते को डांट दिया, बोले तू क्या अपनी आंखें फोड़ता रहता सारा दिन फेसबुक मोबाइल, बोला दादू आपको पता नहीं है आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है स्कूल की, बोले ऑनलाइन तो 3-3.5 घंटे चलती है तो 6-6 घंटे ऐसी तैसी कराता है, बोले ना बहुत काम की चीज है। तो दादा ने कैसे काम की चीज है, तो पोते ने कहा दादा से, बोले दादा आपको कभी अपने दोस्तों की याद नहीं आती, बोले आती है, बोले कहाँ रहते हैं, बोले पता ही नहीं पुरानी बातें हैं, कोई सुविधा नहीं कोई फोन नहीं कुछ नहीं उस टाइम में नहीं होता था। तो बोले दादा अगर मैं आपके दोस्तों को ढूंढ दूं तो, बोले कैसे, बोले फेसबुक के माध्यम से। अच्छा दादा के उत्सुकता जगी, बोले ये संभव है, बोले हाँ। अब वो पोते ने दादा का एक अकाउंट बना दिया, फेसबुक की आईडी क्रिएट कर दी, फिर पूछा दादा बता पांचवी में कौन कौन पढ़े था, बोले देख नत्थूलाल रख दे एक रामलाल था पांचवी क्लास लोधी कॉलोनी दिल्ली सरकारी स्कूल। अब वो पोते ने सर्च मारे नाम, सर्च मारे तो नत्थूलाल भी आ गया रामलाल भी आ गया। अब जैसी फोटो आई तो पोते ने दादा को दिखाई, बोले देख दादा इसमें तो नहीं है तेरा पुराना दोस्त, तो पुरानी फोटो देख के पहचान गया दादा, बोले यो ही है। इधर पोते ने
उधर रिक्वेस्ट भेजी अपने दादा की आईडी से। अच्छा उधर वो नत्थालाल और रामलाल का भी पोता ही बैठा था, उसने भी तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी तो फिर उसने पोते ने दादा के पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं तक के दोस्त ढूंढ दिए। अब दादा को रसाने लगा, बोले यार काम की चीज है फेसबुक तो। अब दादा ने पोते से क्या कहा, बोले देखिए दसवीं में इमरती और केलो भी पढ़े थी, लेकिन साहब प्यार हो कहां रहा है आजकल, हम तो प्यार भी शक्ल देख के करने लगे। वो मुझे याद है लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका दुनिया के तानों से तंग आ गए, उन्होंने सोचा आज हम सुसाइड करेंगे आत्महत्या करेंगे, पहाड़ पे चढ़ गए कूदने के लिए, इकट्ठे कूदना था। अचानक प्रेमिका ने प्रेमी से कहा तू डेमो दे। अब वो बेचारा आंख का अंधा दिमाग से बिल्कुल और लचर पचर और कूद गया बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे जब कूदा, प्रेमिका ने झांक के देखा, खाई बहुत गहरी थी, खाई इतनी गहरी थी कि उसे उसकी लाश तक नहीं दिखाई दी। जब लाश नहीं दिखाई दी तो प्रेमिका ने सोचा बोले छोड़ ये पार्टी दूसरी ज्वाइन करेंगे। वापिस आने लगी, रास्ते पर बड़बड़ाती रही लव इज ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड। देखती क्या ऊपर पैरासूट से प्रेमी उतर रहा, लव नेवर डाइज लव नेवर डाइज लव नेवर डाइज। ये तो प्यार हो गया साहब, पर प्यार होना क्या चाहिए था कि प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ आचरण पर ना जा। मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा, खोलकर पृष्ठ पढ़। वो हमारे बड़े कवि उदय प्रताप जी हुए, उन्होंने कहा कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला के जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के, कैसे रखते थे। और एक ये यशदीप कौशिक, इसे भी प्यार का कीड़ा, बेटा चुप हो जा थोड़ा, ये भी इसे भी प्यार का कीड़ा चढ़ा, यहां कनात लगवा दिया करो अगली बार, वो इसे भी प्यार का कीड़ा चढ़ा, प्यार का कीड़ा चढ़ा तो लड़की ने जिससे प्यार करता था उसने कहा यशदीप तुम्हारा प्यार के बारे में क्या कहना है। अब ये बुद्धिजीवी मोड पे आ गया, उसे इंप्रेस करने लगा, बोले देखो लड़का सीमेंट होता है। अब ये समझा रहा है, जिस कवि को बुला रहा हूं उसकी भूमिका बता रहा हूं सुनना, ये लड़का सीमेंट होता है, लड़की रेत होती है और प्यार पानी होता है, जो इन दोनों को जोड़कर मजबूत करता है। लड़की का जवाब, तू तो मुझे शकल से ही मजदूर लग रहा,